हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। दोस्तों, घर के मंदिर में दीपक जलाते समय भूल से भी यह गलती ना करें। नहीं मिलता है पूजा का पूर्ण फल। कैसा दीपक, कैसी बाती, किस जगह पर कैसा दीपक जलाना चाहिए, किस देवी देवता के पास कौन से तेल का दीपक जलाना चाहिए, कैसी बाती होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक यानी कि लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि सारी बातें समझ में आ जाए। आधा अधूरा देखिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, मैं देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करती हूँ। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में दीपक प्रज्वलित करने को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। दीपक की लौ को बहुत ही पावन और पवित्र माना गया है। सभी धार्मिक अनुष्ठानों में और प्रत्येक रीति रिवाज में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दीपक जलाए बिना कोई भी पाठ पूजा संपन्न नहीं होता है। उसमें दीपक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्य रूप से घर के मंदिर में दीपक जलाने के बहुत से फायदे देखने को मिलते हैं। दीपक से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक दूर होती है। लेकिन ज्योतिष में दीपक जलाने के भी कुछ नियम हैं, जिनका हम यदि पालन नहीं करते हैं तो हमें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो चलिए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें दीपक से जुड़ी। जैसे कि घर के मंदिर में दीपक जलाते समय आपको किन गलतियों से बचना चाहिए, जिससे आपकी समृद्धि में कोई कमी ना हो और पूजा का पूर्ण फल मिले। तो अभी तक आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, पहला नियम है दीपक जलाने की दिशा का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला नियम जो है, ज्योतिष के अनुसार दीपक जलाने से पहले उसकी दिशा का ख्याल जरूर रखना चाहिए। कभी भी पूजा के समय दीपक को किसी भी दिशा में नहीं रख देना चाहिए। गलत दिशा में रखा गया दीपक आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दीपक को गलत तरीके से रखने से धन के हानि के साथ साथ घर में कई स्वास्थ्य समस्याएं भी होती है। मंदिर के पास दीपक जलाने के लिए हमें हमेशा पश्चिम दिशा का ध्यान रखना चाहिए। इस दिशा में दीपक रखा गया पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित कर सकता है। दोस्तों, मंदिर में दीपक जलाने के नियम। घर के मंदिर में भगवान के सामने आप दो तरह के दीपक जला सकती हैं। यदि आप भगवान के दाहिने हाथ की तरफ हैं तो घी के दीपक जलाएं, और भगवान के बाएं हाथ की तरफ अगर आप हैं तो तेल के दीपक जलाना शुभ है। लेकिन शास्त्रों की माने तो घर के मंदिर में घी के दिए जलाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। सबसे ज़्यादा शुभ घी का दीपक। अगर आप अपने हाथ से घी जो निकालती हैं गाय का, वो घी सबसे शुद्ध माना जाता है। मार्केट में तो सभी मिलावटी घी मिलते हैं, तो अगर मार्केट का मंगाना है तो उसके जगह पर आप तिल के तेल का ही दीपक जलाएं तो अच्छा रहेगा। जब भी आप घर में दीपक जलाएं, इस बात का ध्यान रखें कि दीपक खंडित नहीं होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खंडित यानी कि टूटे हुए दीपक का इस्तेमाल घर में नकारात्मक का संकेत देता है। यदि आप किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु दीपक जला रही हैं तो खंडित दीपक जलाने से इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, यानी कि मनोकामना पूर्ति नहीं होती है। ऐसे दीपक का इस्तेमाल करने से माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं। तो दीपक जलाने का क्या फल है? ऐसा माना जाता है कि घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए जलाया जाता है, वहीं तेल का दीपक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जलाया जाता है। ऐसे दीपक जलाने से आपको अवश्य लाभ मिलता है। ऐसे मैंने मतलब कि आप जलाएं तो दीपक में कैसी बत्ती लगाना चाहिए? दोस्तों, जब भी आप घर के मंदिर में दीपक जला रही हैं तो आपको बत्तियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब आप घी का दीपक जलाएं तो फूल बाती यानी कि गोल बाती को फूल बाती भी कहा जाता है, तो गोल बाती और तेल के दीपक जलाएं तो खड़ी हुई लंबी बातियों का इस्तेमाल करें। दीपक की बत्ती की दिशा हमेशा भगवान की तस्वीर के ठीक सामने होना चाहिए, इससे आपकी मनोकामनाएँ जल्द ही पूरा होता है। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान की तस्वीर के ठीक सामने होनी चाहिए उसकी बत्ती का जो लौ होता है, आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होगी। ज्योतिष में हमेशा सीधी बत्तियों का इस्तेमाल करना ही बेहतर होता है। दीपक की बत्ती की दिशा दक्षिण की तरफ ना रखें। दीपक की बत्ती रुई की होनी चाहिए, इस बत्ती को ज़्यादा शुभ माना जाता है।
दीपक जलाते समय यदि आप कुछ आसान नियमों का पालन करती हैं तो जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और पूजा का विशेष फल भी हमें प्राप्त होता है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी, कोई भी देवी के पास अगर दीपक जला रहे हैं आप या जला रही हैं, कोई भी देवी के पास अगर दीपक जलाना चाहते हैं, जैसे कि माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, देवी का जो भी स्वरूप है, उनके पास आपको लंबी बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। और कोई भी देवता के पास अगर दीपक हम जलाते हैं तो वहाँ पे हमें गोल बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। तुलसी के पास भी हमें गोल बत्ती का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और हम आपको बता दें कि जैसे कि पीपल के पेड़ के नीचे या कोई भी वृक्ष के नीचे अगर हम दीपक जलाते हैं तो भूलकर भी लंबी बाती का इस्तेमाल इस जगह पर नहीं करना चाहिए। कोई भी पेड़ पौधे के नीचे अगर आप दीपक जलाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप गोल बाती का ही इस्तेमाल कीजिएगा। दोस्तों वास्तु में दीपक जलाने में यानी बाती का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर बाती गलत तरीके से लगाई गई हो तो वो भी आपको नुकसान पहुंचाने का कारण बन सकती है। सही बाती का इस्तेमाल करेंगे तभी दीपक से फायदा होगा, वरना नुकसान भी हो सकता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, तेल का दीपक जलाने में हमेशा लाल धागे की बाती का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि कलावा होता है, जो कलावा हम लोग हाथ में बांधते हैं, वहीं कलावा का आप इस्तेमाल करें लंबी बाती के जगह पर। लंबी बाती जहाँ पर भी लगाना है आपको, जैसे कि तेल का अगर दीपक जला रहे हैं तो उसमें आपको कलावा का बाती लगाना चाहिए। वहीं अगर आप घी की बत्ती जला रहे हैं तो उसमें उसके लिए रुई की बाती का उपयोग किया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, कलावा का जो होता है उसी का हम बत्ती लगाते हैं तो इससे और ज़्यादा हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें कि गोल बाती का इस्तेमाल करने से पितर जो होते हैं हमारे पूर्वज कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और घर में दरिद्रता का वास करने लगते हैं। इसका यानी कि घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता ही रहता है। इसलिए घर में पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं या पितरों के पास अगर दीपक जलाते हैं तो लंबी बाती का ही दीपक जलाएं। लंबी बाती का दीपक जलाएं अपने पितरों के पास। इसी तरह नवरात्रि या लक्ष्मी पूजन में गोल बाती का इस्तेमाल करने से माता यानी कि रुष्ट हो जाती हैं और घर की सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है। तो मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि कोई भी देवी के पास अगर दीपक जलाना है तो आपको लंबी बाती का दीपक जलाना है। और कोई भी देवता हैं, जैसे कि हम आपको बता देते हैं, जैसे कि कोई भी देवता हो, जैसे कि ब्रह्मा जी हैं, इंद्रदेव हैं, शिव जी हैं, विष्णु जी हैं सहित अन्य कोई भी देवता, देवी नहीं केवल देवता, इनके पास आपको गोल बत्ती यानी कि फूल बत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे गोल बत्ती देवताओं के पास गोल बत्ती जलाने से क्या होता है कि हमारे घर में स्थिरता आती है, जिससे माँ लक्ष्मी का घर में हमेशा वास रहता है। इसके अलावा मैं पहले बता चुकी हूँ कि पीपल वृक्ष की पूजा करते समय भी गोल बाती ही आपको इस्तेमाल, सब मैं बता दिया आप लोगों को। अगर कोई दोस्तों अगर आप लोगों को कोई डाउट रह गया होगा हमसे, अगर कोई बात इसमें अगर छूट गई होगी, मैं तो अपने से सभी संपूर्ण जानकारी दीपक के बारे में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे चुकी हूँ, लेकिन कहीं छूट गया होगा तो आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूँगी। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, आप लोगों का लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब खुश रहिए। धन्यवाद।